ये जो हर साल एक न्यू आईफोन लॉन्च होता है ये एक ट्रैप है। और गाइस आज मैं बताऊं कि आप लोग कैसे इस ट्रैप से बच सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जरूरतें हैं वो हमारा पुराना आईफोन ही पूरा कर सकता है, लेकिन हमें चुल मस्ती है उस न्यू आईफोन की, क्योंकि उसमें कुछ छोटे मोटे न्यू फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और ऐसा हो भी क्यों, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ऐसे उस तरह से उसके रिव्यू और उसके फीचर्स के बारे में बताते हैं कि हमारे जो मन होता है उसको मोह लेते हैं, खास करके हम मिडिल क्लास के लोग। और गाइस जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी इस तरह से एड एंड मार्केटिंग करती है अपने न्यू आईफोन के लॉन्च का, कि हमें एक समझदार आदमी भी देखते हैं कि उसका भी मन बन जाता है उस न्यू आईफोन की तरफ, जबकि उनके पास जो पुराना आईफोन है वही वो कैपेबल है उन सभी काम को करने के लिए जो वो अभी तक करते आए हैं। लेकिन उस आईफोन की चमक धमक में और लोगों के इन्फ्लुएंस में आके हम भूल जाते हैं कि हमारे पास जो आईफोन है वही कैपेबल है उन सभी कामों को करने के लिए जो हम ऑलरेडी करते आए हैं और जो करेंगे गाइस। लेकिन आपका फिर भी मन एक न्यू आईफोन की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं और आपको एक दूध का दूध पानी का पानी करने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक न्यू आईफोन में क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले चीज आप लोग को अपडेट देखने को मिलेगा लंबे समय तक, जो कि होता है 5 साल के। लेकिन अगर आप लोग ऑलरेडी आईफोन 14 या आईफोन 13 या आईफोन 12 भी चलाते हो तो आपको अपडेट की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि उसमें भी आप लोग को 5 साल की अपडेट देखने को मिलता है। और अभी भी आप लोग को अगर आईफोन 12 की बात करें तो अभी भी आप लोग को 2 साल का अपडेट देखने को मिलेगा। और दूसरी बात जो कि होता है फीचर, जो कि आप लोगों को न्यू आईफोन में वो ज्यादा फीचर देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस ईयर वाले जो आईफोन्स होते हैं। तो अगर आप लोग अपने आईफोन से इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, BGMI, व्हाट्सएप, अगर ये सब आप लोग अपने आईफोन से करते हो तो आप लोग को कोई भी जरूरत नहीं है कि आप लोग एक न्यू आईफोन की तरफ जाओ। हाँ गाइस, एक स्पेसिफिक टाइम की तरफ आप लोग जा सकते हो जब आपका आईफोन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने लगे या आप लोग आईफोन 8 या आईफोन 7 चला रहे हो, तब गाइस आप लोग न्यू आईफोन की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग चला रहे हो अभी भी आईफोन 12, आईफोन 13 या आईफोन 14 या आईफोन 14 प्रो मैक्स या आईफोन 14 प्रो, मतलब कोई भी अगर आप लोग उससे पहले का फोन चला रहे हो, तो आप लोग कोई भी जरूरत नहीं है उस आईफोन को अपग्रेड करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग काउंटर करेंगे कि हमें न्यू आईफोन में न्यू कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, मतलब अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो गाइस इसका भी जवाब है मेरे पास, जैसे कि आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में आप लोगों को प्रो रेस वीडियोस देखने को मिली और प्रो मोशन डिस्प्ले देखने को मिला है। तो अगर आपके किसी भी दोस्त के पास आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स है, उसके जाके पूछना क्या आप लोग कभी भी प्रो रेस वीडियो में फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह लिए हो या उसके बारे में जानते हो या फिर प्रो रेस डिस्प्ले के बारे में जानते हो या आपको कुछ भी फर्क देखने को मिलता है इन सभी से। तो गाइस उसको 99% चांसेस है उसको पता ही नहीं होगा कि ये सब होता है क्या। तो गाइस इसीलिए मैं आप सभी को समझा रहा हूँ कि कोई भी जरूरत नहीं है कि आप लोग हर साल एक न्यू आईफोन को बाय करो। लेकिन हम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं न्यू आईफोन की तरफ, क्योंकि गाइस उससे उनका एक स्टेटस सिंबल दिखाना होता है और एक फेक स्टेटस के लिए वो जाते हैं EMI में आईफोन को बाय कर लेते हैं, जो कि गाइस बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है और आपको कुछ भी उससे मिलने वाला नहीं है। मतलब आप एक जगह पैसा लगाते हो, अगर वहां से कुछ रिटर्न मिले तब उसमें आप लोग इन्वेस्ट करो। अगर गाइस आप लोग एक टेक यूट्यूबर है या अपने आईफोन से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी शूट करते हो, मतलब आप लोग का कुछ भी काम वगैरह हो उस आईफोन से, अगर आप लोग उस आईफोन से 2 पैसे कमा पाओ तभी आप लोग उस न्यू आईफोन के लिए जाओ। लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा काम नहीं है कि आप लोग एक टेक यूट्यूबर नहीं हो और आपको ज्यादा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मतलब नहीं है, बस आपको मतलब है अपना स्टेटस, अपने सिंबल को दिखाने की मैं एक अमीर आदमी हूं, अपना एक मतलब आईफोन को लेकर चमकाना है, मतलब लोगों के बीच में भीड़ में जाके आप लोग मार्केट में चमकाना है, तो गाइस आप लोग रुको और एक बार सोचो कि आप लोग EMI में लिए हो उस आईफोन को, पता नहीं आप लोग को नेक्स्ट EMI भरने के आपके पास पैसे हो या ना हो इस स्टेटस और सिंबल को दिखाने के चक्कर में। तो गाइस थोड़ा सा ये हार्श रियलिटी है और आपको हो सकता है मेरी बातें कड़वी भी लगे, लेकिन गाइस आप लोग को थोड़ा सा दिमाग से सोचना है और गाइस आप लोग को ये डिसीजन बनाना है कि आपके पास जो आईफोन है वही आईफोन को आप लोग रखो, कोई भी जरूरत नहीं है न्यू आईफोन को बाय करने के लिए कि आप लोग उसे EMI में जाओ, भारी भरकम EMI में देके उस आईफोन को बाय करो। और गाइस अगर आप सबके पास सफिशियंट मनी है या आपके पास अच्छी खासी इनकम है तो बिल्कुल आप लोग ऑफकोर्स न्यू आईफोन की तरफ जाओ, बल्कि न्यू आईफोन ही नहीं हर साल न्यू आईफोन बाय करो, एक नहीं दो नहीं चार बाय करो, मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे पड़ने वाला ना किसी और को पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो और आप लोग चाहते हो कि न्यू आईफोन को बाय करना और आप लोग EMI की तरफ जाते हो, तो मेरे हिसाब से उससे बेस्ट डिसीजन होने वाला कि आप लोग सेकंड हैंड आईफोन की तरफ जाओ, जो कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखा है कहां से आप लोग सेकंड हैंड आईफोन को बाय कर सकते हो। और गाइस आप लोगों को पिछले वीडियो ही मैंने बताया था कि 3 वेबसाइट के बारे में मैंने बताया था कि आप लोग वहां से जाकर
लेटेस्ट सेकंड हैंड आईफोन बाय कर पाओगे। तो गाइस आई होप आप सब लोग समझ गए होगे और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो को जहां से गाइस आप लोग जान पाओगे कहां से सेकंड हैंड आईफोन बाय करना है। उन सभी तीनों वेबसाइट के बारे में मैंने प्रॉपर बता रखा है, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हो और बिल्कुल भी न्यू आईफोन की तरफ नहीं जाना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।